अब सो जा मोनू, बहुत रात हो गई है। मामू पहले आप मुझे कहानी सुनाओ। माँ तो रोज रात एक कहानी सुनाती है, मुझे तभी नींद आती है। हाँ बच्चे, तुम्हारी माँ कल आ जाएगी तो सुन लेना कहानी, आज तो सो जा। नहीं, पहले कहानी। अच्छा ठीक है, मैं आज एक बहादुर पवन की कहानी सुनाता हूँ, जो कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा होशियारी से काम लेता है और अंत में जीत हासिल करता है। एक बार एक गांव में पवन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। पवन के पिता हरि सिंह हमेशा ही पवन को वीर बहादुरों की कहानी सुनाते थे और एक बात बताते थे कि किसी भी बुरे से बुरी परिस्थिति में भी धैर्य के साथ दिमाग से काम लेना चाहिए तो सफलता जरूर मिलती है। तुम दोनों की कहानी तो बेकार है, मैं तुम दोनों को एक चुड़ैल के बारे में बताता हूँ। अच्छा, तुमने उसे देखा है क्या? मेरे पिताजी ने मुझे बताया था उस चुड़ैल के बारे में। चुड़ैल की कहानी? चल के सुनता हूँ, आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी बताया करते थे कि जंगल के अंदर जो शमशान है वहाँ एक लंगड़ी चुड़ैल रहती है। वो वहाँ जाने वाले सभी लोगों को मार के खा जाती है। वह चुड़ैल एक हार पहनती है जो जादुई है और पहनने वाले की इच्छाएं भी पूरी करता है। जादुई हार? क्या बात है, अगर वो जादुई हार मुझे मिल गया तो मैं ढेर सारी मिठाइयाँ रोज ही खा पाऊंगा और पिताजी को भी खेतों में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पवन जादुई हार के सपने में खो जाता है और कई दिनों तक उसी के सपने देखता रहता है। एक रात पवन सबके सोने के बाद घर से निकल जाता है। आज रात ही चुड़ैल का हार हासिल करके सुबह होने से पहले ही घर लौटना होगा, वरना माँ परेशान हो जाएगी। पवन जंगल पहुंचता ही था कि एक शेर वहां घात लगाए पहले से बैठा था। शेर की आवाज सुनते ही पवन भाग के पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये शेर यहाँ कहाँ से आ गया? अब क्या करूं? शेर तो पेड़ के पास से हट ही नहीं रहा। कुछ देर बाद भी शेर वहीं बैठ जाता है और पवन के उतरने का इंतजार करने लगता है। पवन का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। अब क्या करूं? ये शेर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मुश्किल में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। पवन अपने आसपास चारों तरफ देखता है। अरे, ये तो जहरीले बेरों का पेड़ है, कैसे भी करके ये बेर शेर को खिलानी पड़ेगी। एक बार जैसे ही शेर दहाड़ने के लिए मुंह खोलता है, पवन वो बेर शेर के मुंह में फेंक देता है। शेर वो खाता तो नहीं, लेकिन जहर के असर से कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। यही सही मौका है, यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद भी पवन को कोई नजर नहीं आता। जंगल का शमशान तो आ गया, पर चुड़ैल कहीं नजर नहीं आ रही। कुछ दूर और जाके देखता हूँ। ये लड़का तो मुझे ही खोज रहा है। आज बच्चे का नरम गोश्त खाने को मिलेगा, इसे पकड़ के अपनी गुफा ले जाना होगा। कुछ देर और आगे बढ़ो, मेरा जाल तैयार है। पवन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वह एक जाल में फंस जाता है और चार खतरनाक कुत्ते पवन को घेर लेते हैं। अरे दादी, मुझे क्यों पकड़ लिया है? मैं तो जंगल घूमने आया था। मेरे वफादार कुत्ते तुझे आज जंगल की सैर करवाएंगे। चारों कुत्ते पवन को घसीटते हुए चुड़ैल की गुफा में ले जाते हैं। चुड़ैल ने आग में बर्तन चढ़ाया और वहीं बैठ गई। अरे दादी, मुझे छोड़ दो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे मार के क्या फायदा? बच्चे का नरम गोश्त खाए तो जमाना हो गया। आज कई दिन बाद कोई बच्चा हाथ लगा है। मैं गोश्त खाऊंगी और मेरे वफादार कुत्ते तेरी हड्डियाँ खाएंगे। दादी, मुझे क्या इसी उबलते पानी में पकाओगी? हाँ, इसी जादुई रस में पका के खाऊंगी, बड़ा स्वाद आएगा। दादी, जब तक आपका पानी उबलता है, मेरा जादुई थैला ला दो। वो एक जादुई थैला है, मेरे हाथ में आते ही उससे मधुर संगीत निकलता है।
अच्छा ये बात है, तो रुक अभी लाती हूँ। चुड़ैल थैला पवन को दे देती है। पवन तुरंत ही उसमें रखा पत्थर निकाल के चुड़ैल के सिर पे मार देता है और चुड़ैल गिर जाती है। चुड़ैल के गिरते ही उसके पास रखी चाबी गिर के पवन के पास चली जाती है। वो रही चाबी, जल्दी ही पिंजरा खोल के निकलता हूँ। पवन पिंजरे से बाहर आ जाता है लेकिन चारों कुत्ते पवन को घेर लेते हैं। हे भगवान, अब क्या करूं, यहाँ से कैसे निकलूं? किसी तरह पवन वहां से भागता है और कुत्ते उसका पीछा करते हैं। भागते भागते पवन गुफा में ही खो जाता है। अरे ये कहाँ आ गया, यहाँ तो सारी गुफा एक ही जैसी है, ये यहाँ से कैसे निकलूं? यहाँ रहा तो ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। तभी पवन को चुड़ैल की बैसाखी चलती हुई दिखाई देती है। ये क्या, चुड़ैल की लाठी भी जादू की है, ये तो अपने आप ही चली आ रही है। बच्चे कहाँ भागेगा मेरी गुफा से, आज तक कोई बच के नहीं गया तो तू कैसे भाग सकता है। यहाँ तो लाठी के अलावा कोई नहीं, फिर चुड़ैल की आवाज कहाँ से आ रही है। मुझसे बच के कहाँ जाएगा। अरे दादी, आप यहाँ कहाँ से आ गई, अब क्या आप मुझे फिर से पका के खाओगी। हाँ बच्चे, लेकिन तूने मुझे बहुत तंग किया, इस बार पहले मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगी, फिर उस पे मसाला लगा के पकाऊंगी, फिर खाऊंगी। चुड़ैल फिर से पवन को पिंजड़े में डाल के बंद कर देती है और मसाला तैयार करने लगती है। अब क्या करूं, अब तो ये चुड़ैल मुझे पक्का ही खा जाएगी, सुबह भी होने वाली है। पिताजी कहते हैं किसी भी मुश्किल घड़ी में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, अभी भी वक्त है, कुछ सोचता हूँ। अरे दादी, ये कौन से मसाले बना रही हो, क्या ये कोई खास मसाला है। हाँ बच्चे, ये मेरा खास मसाले है, इसमें पकाने के बाद तेरा नरम गोश्त और भी लजीज बन जाएगा, ये मैं जंगल से लेके आती हूँ। अरे दादी, इसमें तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये तो बिल्कुल मामूली मसाले हैं। चुप कर जा बच्चे, मेरे मसालों का मजाक उड़ाता है, चुप हो जा वरना तुझे कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे दादी, मेरे पिताजी एक मशहूर हलवाई है, मुझे मसालों की बचपन से बहुत पहचान है। तू सच बोल रहा है। हाँ दादी, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, कुछ ही देर में आप मुझे पका के खा ही जाएंगी, तो झूठ बोल के क्या फायदा। मेरे बताए मसालों का उपयोग करेंगी तो आपका हर व्यंजन ही लजीज और जायकेदार बन जाएगा। अच्छा सच में, तो जल्दी बता वो कौन से मसाले हैं। ऐसे नहीं दादी, मैं आपसे गुप्त मसालों की जानकारी आपको दूंगा, तो आप भी मुझे मरने से पहले अपनी कुछ गुप्त जानकारी तो दीजिए। अच्छा बच्चे, तो सुन, मेरा ये जो हार है ना, बड़ा जादुई है, मेरी जान भी इसी में बसती है और मेरे वफादार कुत्तों की भी। अगर ये हार किसी के हाथ लग गया तो हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे और उसकी सारी बात मानेंगे। क्या दादी, हार में भी कोई जादू होता है, मुझे बेवकूफ क्यों बना रही हो। बच्चे मैं झूठ नहीं बोल रही, ये एक जादुई हार है, यह इंसान की सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो दादी, तुम इस हार से ही खाना मांग लिया करो, इंसानों को मार के खाने की क्या जरूरत है। हाँ बच्चे, तुमने सही कहा, लेकिन कई साल पहले मैं जंगल घूमने गई थी और इस हार का एक नग जंगल में ही गिर गया और किसी इंसान ने उसे चुरा लिया, तब से ही ये हार भोजन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। अरे दादी, नग खो गया तो ये जादुई हार खुद भी तो उसे खोज के ला सकता था, ये कैसा जादुई हार हुआ, मैं तो नहीं मानता। बच्चे मेरी बात पे यकीन कर वरना मैं तुझे अभी के अभी खा जाऊंगी। पर कैसे यकीन करूं दादी, क्या ये हार मेरी भी बात सुनेगा। हाँ बिल्कुल सुनेगा, तू जो बोलेगा ये करेगा। अगर मैं इस कुत्तों को बकरी बना दूं तो ये बनाएगा। हाँ बिल्कुल बनाएगा।
और ये बकरियाँ मेरी बात मानेंगी? हाँ, क्यों नहीं मानेंगी? तो बना के दिखाओ। उसके लिए तुझे ये हार पहले अपने हाथ में लेना होगा। तो दादी, मेरे हाथ में ये हार दो जरा, मैं देखूं ये सच है या झूठ। पहले अपने गुप्त मसाले बता मुझे। दादी, वो मसाले गुप्त हैं, तो मैं बस आपके कान में ही बता सकता हूँ। अपना कान इधर लाना जरा। चुड़ैल जैसे ही पिंजड़े के पास जाती है, पवन चुड़ैल का हार खींच लेता है। पवन के हार हाथ में लेते ही, हम आपके गुलाम हैं, बताइए आपकी कौन सी इच्छा पूरी की जाए। सुबह होने वाली है, मुझे मेरे घर के सामने पहुंचा दो और तुम पांचों बकरी बनके मेरे साथ चलो। जैसी आपकी इच्छा। और दूसरे ही पल सभी पवन के घर पहुंच जाते हैं। पवन उन पांच बकरियों को उसी बूढ़े को दे देता है जिसने उसे चुड़ैल की कहानी सुनाई थी, और हार के साथ अपने घर चला जाता है। मोनू, कैसी लगी कहानी? अरे, ये तो सो गया है।